हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रीन सलाद विद सार क्रीम। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में ग्रीन सलाद विद सार क्रीम कैसे बनाएं। ये देखिए, आपने ऐसे ककुम्बर छीलना है। हम लोग भी ऐसे छीलते हैं और छील के क्या करते हैं, ये आपको मेन चीज़ें बताने वाली। हम ऐसे पानी में डुबा के रखते हैं, हम जितनी भी चीज़ें छीलते हैं ना वो सब पानी में ऐसे भिगा के रखते हैं डुबा के, ताकि अगर धोखे से कभी कुछ मिट्टी हो तो वो पानी में नीचे चली जाए और इनके कलर ख़राब ना हो। तो हम बड़े बर्तन में सारी चीज़ें ऐसे भिगा के रखते हैं जो भी हम ग्रीन सलाद में यूज करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ के। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सलाद के लिए प्याज आपने ऐसी लेनी है, खूबसूरत ऐसे लंबी वाली जो प्याज होती है ना वो लेनी है। उसके बाद इसको आपने ऐसे काट लेना है और ये ऐसे चाकू मारा और ऐसे छील ली। इसको आपने ऊपर से नहीं काटना है। ऊपर से क्यों नहीं काटना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ऐसे प्याज छीलनी है आपने। उसके बाद इसको आपने कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। आप जब भी सलाद के लिए प्याज काटें तो पहले पोंछ लें या फिर धो के पोंछें, लेकिन पोंछना ज़रूरी है। आप जब भी ग्रीन सलाद बनाएं किसी भी सॉस के साथ, सार क्रीम हो या दुनिया का कोई भी सॉस हो, तो आपने फिंगर में सलाद काटना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे निकाल दिया, ये देखिए, फिर आप ऐसे रख के भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ये देखिए, एक दो ऐसे आपने फिंगर काटना है, इतने मोटे इतने लंबे, ज़्यादा बड़े बड़े ना काटने, नहीं तो अजीब से लगते हैं। जैसे हमने मूली काटी उसी तरीके से हम ककुम्बर काटेंगे। आप पहले ऐसे बांट लें तो क्या होता है आपका एक जैसा कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ऐसे आपने इसको काटना है, ये इस तरीके से, फिर ऐसे। अब मैं इसी तरीके से सारी ककुम्बर काट लूँगा। अब हम काटेंगे गाजर। गाजर आपकी एक जैसी नहीं होती है कई बार, तो आपने कैसे काटना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है मेन चीज़ देखने वाली। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, ऐसे काटने के बाद एक दो मोटी गाजर का ये अंदर वाली चीज ना डालें, इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, कंप्लेन आ जाएगी, तो ये आपने फेंक देनी है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिंगर वाली चीज़ें काटने के बाद आपने क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। आपने लेना है वो बर्तन जिसमें आपने पिकअप कराना है, उसके अंदर सेंटर में ये देखिए सार क्रीम रखना है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कि सार क्रीम कैसे बनाते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लें। आपने पहले लगा देना है सलाद, उसके बाद में काटना स्टार्ट करना है बाकी चीज़ें। ये देखिए गाजर, फिर आपने इसे हल्का सा टर्न किया, फिर ये देखिए आपने ये लगाया ककुम्बर। तरीका आप देख लें। अब ये कलर देखिए, ये हो गई गाजर, ये हो गई ककुम्बर सफ़ेद, तो आपने मूली यहाँ लगानी है। अगर आप यहाँ लगा देंगे तो पता है ना आपको बहुत ही गंदा लगेगा। उसके बाद हम लगाएंगे प्याज। प्याज आप तुरंत काटें, मैंने आपको बोला था ना ये चीज़ आपने नहीं निकालनी, तो अब आपको पता चलेगा क्यों। ये देखिए ऐसे आपने काटा, ये देखिए ऐसे, अब ये चीज़ अपने आप निकल जाएगी। अगर आप इसको पहले काट देंगे ना तो प्याज ढंग से काट नहीं पाएंगे। ये देखिए अब इसको आप ऐसे आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद आपने ये देखिए ऐसे लगा देना है। ये देखिए बेहतरीन। अब
हम लगाएंगे टमाटर। टमाटर आपने एक लिया, यहाँ से काट दिया देखिए ऐसे, उसके बाद ऐसे चार कर लिए इस तरीके से। अब इसको लगा के दिखाता हूँ आपने कैसे लगाना है। ऐसे लगाना है आपने, ये देखिए ऐसे खूबसूरत लगना चाहिए। ऐसे नहीं आपने उल्टे सीधे गोल काट के ऐसे लगा दिए, इसमें ऐसे नहीं चलेगा सार क्रीम के साथ, इसमें आपने ऐसे लगाने। अब इस सलाद में चार चांद लगाने के लिए हम लगाएंगे आइसबर्ग यहाँ पर। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि आपने आइसबर्ग कैसे काटना है। आइसबर्ग आपने कभी भी चाकू से नहीं काटना है, इसको ऐसे हाथ से तोड़ना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको काट के दिखाऊंगा। इसको कभी चाकू से नहीं काटते हैं, ऐसे हाथ से तोड़ते हैं। आप ये समझें कि सरकार की तरफ से बैन है इसमें चाकू लगाना। आपने अगर इसमें चाकू लगाया तो ये हो गया बेकार। ऐसे तोड़ना है आपने, तोड़ के यहाँ रख देना है। ये देखिए अब ये बन गया दुनिया का सबसे बेहतरीन सलाद। अब आप इसको और भी अच्छा करने के लिए गर्किन डाल सकते हैं। गर्किन को आपने ऐसे एक का चार कर लेना है। ये रेडीमेड मिलती है मार्केट में, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी होती है, हल्की सी खट्टी होती है, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए दुनिया का बेहतरीन ग्रीन सलाद बनके तैयार है आपके सामने। सलाद का नाम है ग्रीन सलाद विद सार क्रीम। आपने इसको खाना कैसे, ये देखिए इस तरीके से, वाह मज़ा आ गया। आज मैं आपके लिए लेके आया ग्रीन सलाद विद सार क्रीम, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आप आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए